नाजरीन, मैं मारफा नवाज खैर मुकदम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। तो भाई मैं आई हुई हूँ अनारो कोटी ऑफ कोलकाता। तो मैं आज आप लोगों को यहीं पे एक्सप्लोर करके दिखाने वाली हूँ, क्योंकि भाई आज है मुहर्रम के 9 तारीख और आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़। चलिए अंदर चलते हैं और ज़्यारत कर जाइए। तो भाई अगर आप लोगों को कुछ भी ख़रीदना है, अगरबत्ती, मोमबत्ती या फ्लावर या कुछ भी ऐसा चीज़ जो आप अनारो बीबी के कोठी के अंदर इमामबाड़े में चढ़ाना चाहते हो, तो आप यहां से परचेज़ कर सकते हो। और ये जो सामने आप लोग देख रहे हो, ये है मेन दरवाज़ा और ये है अनारो कोठी। और इस कोठी के अंदर में है इमामबाड़ा। और इसे अनारो कोठी क्यों कहा जाता है मैं आप लोगों को बता दूं, बीबी अनारो जो थी वो इमाम हुसैन की, मतलब कि पंजतन की बहुत बड़ी शहदाई थी और उनका ये बिल्डिंग था, तो इसलिए अनारो कोठी इसका नाम है। तो देखिए मैं एकदम मेन दरवाजे में खड़ी हूँ और अब अंदर की तरफ चलती हूँ और अंदर का नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरे प्यारे नाज़रीन कोलकाता सिटी के हैं और डे वन से अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे अनारो बीबी की कोठी में, भाई मैं तो बचपन से आ रही हूँ अनारो बीबी की कोठी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि अनारो बीबी का जो ये कोठी है ना इमामबाड़ा, ये बिल्कुल भी पहले ऐसे नहीं था। इसको दोबारा से रेनोवेट करा कर बहुत अच्छे से बनाया गया है। आप लोग देख लें, ये सामने जो आप लोग देख रहे हो ये है मेन इमामबाड़ा और इसके अंदर आज नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। आप लोग देख सकते हैं स्पेशली 7 और 9 मुहर्रम को जो है ना यहाँ पे बंद हो जाता है मर्दों का आना, क्योंकि भाई इतनी सारी औरतें होती हैं और उसमें अगर जितने भी अगर आप लोगों को एक दो मर्द अगर कोई नज़र आ भी जा रहे हैं ना, तो वो समझ लीजिए कि यहाँ के खादिम हैं जो काम करते हैं यहाँ पर या जो यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ वहाँ के लोग ही यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएँगे, वरना तो सिर्फ आपको औरतें ही औरतें नज़र आएंगी। भाई ये जो सारी चीज़ें अभी आप लोग देख रहे हो ना अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये अनारो बीबी के कोठी के अंदर घर और ये छोटा सा झूला और यहाँ पे सेहरा, ये वाला घर और यहाँ पे मैं इस तरफ आप लोगों को कैमरा करके दिखा दूँ, ये देखिए सेहरा और भी सारे झूले वगैरह हैं, आप लोग देख लें यहाँ पे। ये सारी मन्नत मुराद की चीज़ें हैं, ठीक है, जो नाज़रीन का मन्नत पूरा हो जाता है और उन लोगों का मन्नत में ये शामिल होता है कि वो लोग चांदी का चीज़ चढ़ाएंगे, तो वही सारी चीज़ों को यहाँ रखा गया है। मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। हो जाती है वो लोग ये सारी चीज़ें ला कर यहाँ चढ़ाते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे नाज़रीन, यहाँ पर फल बट रहा है। अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक अहम बात बता दूं कि अगर आप लोग हमेशा से अनारो बीबी के कोठी पर आते हो इमामबाड़े पर, तो आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर फल वाला जो मन्नत है ना वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। मैं तो बचपन के दिनों से आ रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ का सारा सिस्टम मालूम है और आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ। मैंने देखा है भाई औरतें ना पहले 5 या 7 किस्म का फल लाती थी और यहाँ पर काट कर सेनी में कर ऐसे उड़ा दिया करती थी और फिर ज़मीन से औरतें जो है ना वो सारी जो आई रहती थी वो चुना करती थी, ठीक है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मैस हो जाया करता था। लेकिन अभी सिस्टम को बदल दिया गया है, ठीक है, तो अभी कोई भी ऐसा मन्नत या मुराद अगर आपका होता है ना, तो आपको खादिम या यहाँ के जो केयर टेकर होते हैं उनके हाथ में फल को लाकर दे देना होता है।
और जिन नाजरीन को वो फल चाहिए होता है वो लोग उनमें तकसीम कर देते हैं, और बदले में अगर आप कोई चरागा देना चाहते हो तो उन लोगों को दे सकते हो। अगर आज भीड़ कम होता ना मेरे प्यारे नाजरीन, तो मैं आप लोगों को इमाम बाड़े के अंदर ले जाकर दिखाती। वहाँ पे इतना ज़्यादा खूबसूरत सा मासूम अली असगर का झूला रखा हुआ है ना कि अगर आप लोग देखते तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ किस कदर है, बहुत ही ज़्यादा भीड़, और इतने भीड़ में अंदर जाना अलाउ भी अभी नहीं है। आप लोग देख सकते हो रास्ते को रोक कर रखा गया है। यहाँ मेन गेट में भी देखिए फल बांटा जा रहा है, तो जो नाजरीन को अगर फल लेना है मन्नत या मुराद का तो ले सकते हैं। हम लोगों का ज़ियारत हो गया अंदर से, देखिए भाई अगरबत्ती या मोमबत्ती आप लोग कुछ भी अगर जलाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दूं कि तमाम मज़ार के जैसे यहाँ इमामबाड़े के अंदर भी अगरबत्ती और मोमबत्तियाँ जलाने का जो सिस्टम है ना उसको ख़त्म कर दिया गया है। हाँ सेहन में आप भले जला सकते हो, आप लोग देख लो यहाँ पे नाजरीन इतना सारा मोमबत्ती और अगरबत्ती जला दे रहे थे कि कितना बार तो यहाँ पर आग जैसा लग रहा था। आप लोग देख लें यहाँ पर जितने भी नाजरीन होते हैं उन लोगों का अलग अलग मन्नत होता है, तो उनमें से ये सारे घोड़े जो आप लोग देख रहे हो मट्टी के, ये सारे मन्नत मुराद के। और ये देखिए यहाँ पे पानी मार कर आग को बुझाया जा रहा है, तो खूब ख्याल करिएगा ये सारी चीज़ों का। जाते वक्त हड़बड़ी में थी फ्रेंड्स तो ये बात बताना भूल गई थी, अभी बता देती हूँ। 5 रुपीज़ लेंगी आपके पूरे ग्रुप का चप्पल का ख्याल, ऐसी बहुत सारी लेडीज़ हैं वहाँ बैठी हुई तो रखेंगी, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा भीड़ है कि कोई कभी चप्पल कोई भी पहन कर जा सकता है या फिर यहाँ वहाँ भी हो सकता है, तो इसलिए बहुत ख्याल करें अपनी सारी चीज़ों का। अनारो बीबी की कोठी अगर आप जाते हो तो लोगों को यहाँ ज़्यारत करवा दिया इमामबाड़े का भाई, ये बीबी अनारो का मज़ार आप लोगों को दिखाते। तो भाई ये देखिए बीबी अनारो का ये मज़ार शरीफ है, तो फिर चलिए अब निकलते हैं यहाँ से जब ज़ियारत हो गई है। तो 9 तारीख को अनारो आना और यहाँ का वीडियो बनाना इज़ अ रियल चैलेंज, तो मैंने ये चैलेंज को पूरा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से अनारो कोठी को भी दिखा दिया, जो कि हमारे कोलकाता का बहुत ही ज़्यादा फेमस इमाम बाड़ा है। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में छोटा सा बेल आइकन होता है कोने में फ्रेंड्स उसको हिट कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक दूसरे अच्छे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।